स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको DAV क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर नंबर 3 अ हीरो जो कि RK नरवान द्वारा लिखा गया है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर मैं वीडियो दे रहा हूं, तो इसका पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया है। और स्टूडेंट्स साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स से बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड है, यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो वो भी उन वीडियोज़ का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा, तो जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन को देख लीजिएगा हर एक वीडियो के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो कंटेन्स वन रॉन्ग वर्ड फ्रेज विच मेक्स द कंप्लीट स्टेटमेंट फॉल्स, अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ड्स फ्रेजेस and replace them with the correct ones to make the statements true. One has been done for you. यहाँ पर हम लोगों के पास इन स्टेटमेंट्स में एक फ्रेज़ या वर्ड जो है वो गलत है, जो कि स्टेटमेंट को गलत बना दे रहा है, तो हम लोगों को उस रॉन्ग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उसे अच्छे तरीके से मतलब करेक्ट जो भी सही है उसे हम लोग को लिखना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है Swami's father read the report of Lad's bravery in a weekly magazine. तो यहाँ पर वीकली मैगजीन नहीं होगा, यहाँ पर न्यूज़पेपर होगा। ओके सेकंड देखते हैं। सेकंड है द बॉय वाज रेस्क्यूड बाय सम पीपल हु कैप्चर्ड द किल्ड। हु कैप्चर्ड ने, उन्होंने कैप्चर नहीं किया था किल को, टाइगर को, उन्होंने उसे किल कर दिया, उसे मार दिया था, यहाँ पर जो किल्ड। थर्ड है स्वामी सीम्ड कन्विंस्ड फॉर द ऑफ द बॉय ब्रेवरी, तो यहाँ पर डाउटफुल, कंफ्यूज। ओके उसके बाद फोर्थ है स्वामी हैड ऑलवेज स्लिप्ड बिसाइड हिज मदर, मदर के साथ, मदर के बगल में वो नहीं सोता था, वो अपने दादी के बगल में, अपने ग्रैनी के बगल में सोता था, तो हम क्या लिख देंगे ग्रैनी। अब नेक्स्ट है स्वामी प्रपोज टू स्लिप अलोन बिगनिंग विद द सेम नाइट, उसी रात से वो सोने को नहीं करता है, वो कहता है कि उसका कहना था कि मैं अगले महीने के सबसे पहले दिन से सोऊंगा, तो हम लोग लिखेंगे 1st of the next month। नेक्स्ट है स्वामी स्टडीड इन 4th grade, तो वो 4th grade में नहीं, वो 2nd grade में पढ़ता था। 7th है स्वामी हैड टू स्लीप अलोन इन द हॉल, उसे हॉल में नहीं सोना था, उसे सोना था हिज फादर्स ऑफिस रूम में, उसके अपने फादर के ऑफिस रूम में सोना था। ओके देख लीजिए इसे पूरा। स्टूडेंट्स आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया हुआ है। ओके तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में हम लोगों को इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ओके जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डिड स्वामी रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ द विलेज लैड्स ब्रेवरी, हाउ वाज हिज रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर्स रिएक्शन, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। स्वामी थॉट दैट द न्यूज़ वाज फॉल्स, ही हैड ओपिनियन दैट द बॉय हु फॉट विथ The tiger must have been a strong and grown-up man, but his father contradicted, saying that it is courage that is everything, and age and strength are not so important. He also told that a newspaper doesn't have a false news. देख लीजिए इसका आंसर आप लोग। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द चैलेंज गिवन टू स्वामी बाय हिज फादर, हाउ डिड ही रिसीव इट। स्वामी वाज इन हैबिट ऑफ स्लीपिंग विथ हिज ग्रैंड मदर, यहाँ पर ग्रैनी भी लिख सकते हैं, विथ हिज ग्रैंड मदर, सो ही वाज चैलेंजेड बाय हिज फादर टू स्लीप ऑल अलोन इन हिज डार्क ऑफिस रूम and to show him his courage. Swami received it hesitatingly, he was compelled to sleep that night. देख लीजिए एक बार. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब स्वामीज फीलिंग इन द ऑफिस रूम एट नाइट. जब वो नाइट में रात में ऑफिस रूम में सोया था तो क्या क्या उसके अंदर फीलिंग्स आ रही थी, वो हम लोग को लिखना है. थर्ड का स्वामी वॉज फियर राइडन थ्रू आउट द नाइट. ही बिगन टू रिमेंबर ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स he had heard in his life. Every moment he expected the devils to come up to carry him away. He was sweating with fright. ये सब जितना भी आंसर्स मैंने लिखा है सब मैंने चैप्टर्स के बेसिस पे लिखा है, तो यदि आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो आप सारे आंसर्स को अपने आप समझ जाइएगा. यदि आपने चैप्टर को नहीं समझा है तो जाकर एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड स्वामी कैच द बर्गलर. इसका आंसर है इन द बिगिनिंग स्वामी टॉट द बर्गलर एज अ डेविल. एज इट नियर्ड ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम द अंडर द बेंच एंड हग्ड द शैडो विथ ऑल हिज माइट. ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वीपन. द बर्गलर क्राइड लाउडली. द फादर कुक एंड सर्वेंट rushed there to hear the cry. They came and caught the burglar. In this way the burglar was caught. burglar का मतलब यहाँ पर चोर है. ओके, तो क्वेश्चन आंसर हमारे पास पूरा हो गया. 30 वर्ड से ज़्यादा हम लोग नहीं लिखना, लेकिन थोड़ा लंबा है स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन आंसर लंबा होता ही है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है. ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच वुड यू चूज टू डिस्क्राइब स्वामी एंड वाई. तो हम लोग को यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हम लोग को इस चीज़ को बताना है कि किस चीज़ को, मतलब किस किस वर्ड्स को हम लोग, किस किस एडजेक्टिव्स को हम लोग स्वामी को डिस्क्राइब करने में यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग मीक स्वामी को कर सकते हैं. वो चतुर, वो क्लेवर भी था. कवर्डली, वो डरपोक भी था, क्योंकि जब उसने उसके फादर ने उसे कहा कि तुम ऑफिस रूम में अकेले सो जाओ तो वो डर गया. करेजियस, वो करेजियस भी था. जब वो ऑफिस में वो सो जाता है तो उसे डर तो लग रहा था पहले, लेकिन अब उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाता है, वो करेज उसके अंदर आ जाता है. बोस्टफुल और स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग भी था क्योंकि वो डेविल से डरते डरते लास्ट में उस बर्गलर को पकड़वा ही देता, तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है पूरा से. डी नंबर देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का. वेरियस इंसिडेंट्स इन द स्टोरी एवोक कॉन्ट्राडिक्टरी रिएक्शंस फ्रॉम स्वामी एंड हिज फादर. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो हाईलाइटिंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू. फादर टॉट, स्वामी टॉट. यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी रिएक्शंस जो कि स्वामी और उसके फादर की तरफ लिखा गया, मतलब दिया गया था. उसका कुछ बहुत सारे इंसिडेंट्स स्टोरी में हम लोग को देखने को मिले, तो हम लोगों को दोनों के ओपिनियन के बीच में जो डिफरेंस उसको हाईलाइट करके इस टेबल को पूरा करना है. तो सबसे पहला है फादर टॉट द विलेज बॉय हु हैड फाउट अ टाइगर वाज वेरी करेजियस. ओके, तो इसमें स्वामी का जो रिएक्शन था वो था द बॉय मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन एंड नॉट एट ऑल अ बॉय. हमारे पास फादर का रिएक्शन लोगों को लिखना है, स्वामी का रिएक्शन दिया हुआ है. तो स्वामी का रिएक्शन क्या है. करेज अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, स्ट्रेंथ इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. स्वामी ने ऐसा रिएक्शन दिया था, इसमें फादर ने क्या कहा था. करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. करेज ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ और एज जो है ये मायने नहीं रखता है. सी है स्लीपिंग अलोन वुड मेक स्वामी करेजियस एंड इंडिपेंडेंट. ये फादर्स का रिएक्शन था, इसमें स्वामी का रिएक्शन क्या रहा. द डेविल्स विल कैरी हिम अवे लाइक हिज फ्रेंड एंड टीयर हिम अपार्ट. तो स्ट्रेंथ, इसी के साथ मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिएगा. और यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर ले आऊँगा जो भी आप कमेंट कीजिएगा. ओके, तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।